सो हे दिया पोके फैंस, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ बढ़िया और तुम लोग देख रहे हो पोके ज्ञान एक्स वाई जी। सो जो जो यहाँ आई एम पोके ट्यूबर के वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है सभी देखते हैं, तो उसने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था हु इज़ रियल मीनी क्यू। सो इस वीडियो के अंदर उसने काफ़ी सारे पॉपुलर थियोरीज बताए एंड अपना भी एक थ्योरी बताया। सो उसका जो थ्योरी था ना, वो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था एंड वो प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है। मतलब थ्योरी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, लेकिन वो थ्योरी ना मुझे कंप्लीट नहीं लगा। सो इसलिए आज हम आई एम पोके ट्यूबर की थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। सो या क्रेडिट गोज टू आई एम पोके ट्यूबर। सो चलो अब बिना कोई देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करते हैं आई एम पोके ट्यूबर के उस थ्योरी के बारे में। सो थ्योरी के मुताबिक मिमिक्यू के अंदर जो भी पोकेमॉन है वो बिल्कुल ही अननोन है, हम जानते हैं ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है। एंड जो भी पोकेमॉन है वो श्रापित है, मतलब उसे श्राप मिला है कि अगर कोई भी उसके ट्रू आइडेंटिटी को देख लेता है तो वो मर जाएगा। एंड ऐसा हुआ भी है, तुम सबको पता ही है। एंड मिमिक्यू के अंदर जो भी पोकेमॉन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, वो दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसके इस श्राप की वजह से कोई भी इंसान और पोकेमॉन मिमिक्यू के करीब नहीं आता है, इसीलिए मिमिक्यू बहुत ही ज़्यादा अलोन है। एंड सारे मिमिक्यू पिकाचू से नहीं जलते हैं, जेसिका मिमिक्यू अननोन रीज़न से पिकाचू से जलता है। सो बेसिकली यही थी थ्योरी, लेकिन मुझे ये थ्योरी कम्प्लीट नहीं लगा क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मे बी तुम्हारे माइंड में भी आया होगा। जैसे कि पहला, मिमिक्यू के अंदर जो पोकेमॉन है वो पिकाचू के जैसे ही कपड़े क्यों पहनता है, मतलब वो तो और भी कई सारे पोकेमॉन के जैसा कपड़े पहन सकता है अगर उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना है, लेकिन वो पिकाचू के जैसे ही कपड़े क्यों पहनता है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर जेसिका मिमिक्यू ही पिकाचू से क्यों जलता है, जैसे कि अलोला रीजन में एक और मिमिक्यू था, फीमेल मिमिक्यू, वो तो पिकाचू से नहीं जल रहा था, तो जेसिका मिमिक्यू ही क्यों पिकाचू से जलता है। एंड तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिमिक्यू का टाइपिंग आखिर कैसे घोस्ट और फेयरी टाइप है। सो बेसिकली इस तीन क्वेश्चंस का आंसर ही मैं तुम लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। सो असली वीडियो तो अभी स्टार्ट हुआ है। सो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मिमिक्यू के अंदर का जो पोकेमॉन है वो पिकाचू जैसे ही कपड़े क्यों पहनता है। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मिमिक्यू एक फ्रेंडली पोकेमॉन है, लेकिन उसके श्राप की वजह से कोई भी उसके करीब नहीं आता। एंड मिमिक्यू के अंदर का जो पोकेमॉन है, मे बी उसको पता होगा कि अलोला रीजन में पिकाचू बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, एंड अगर वो पिकाचू जैसे कपड़े पहनेगा तो सभी उसके करीब आएंगे, क्योंकि पिकाचू तो सब जगह पॉपुलर है। तो अगर वो पिकाचू जैसे कपड़े पहनेगा तो पोकेमॉन और इंसान उसके करीब आएंगे एंड उससे दोस्ती करेंगे। सो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि मिमिक्यू के अंदर जो पोकेमॉन है वो पिकाचू जैसे ही कपड़े पहने, ताकि सभी पोकेमॉन और इंसान उसके पास आए और उससे दोस्ती करे। सो अब बात करते हैं आखिर जेसिका मिमिक्यू ही पिकाचू से क्यों जलता है। सो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि जेसिके मिमिक्यू ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान या फिर पोकेमॉन जेसिके मिमिक्यू के करीब नहीं गया, क्योंकि सबको पता है मिमिक्यू कैसा दिखता है, मिमिक्यू पिकाचू का नकल करता है। सो जेसिके मिमिक्यू के पास कोई भी नहीं गया एंड इसी वजह से जेसिके मिमिक्यू के दिल में पिकाचू को लेकर एक नफरत पैदा हो गया कि पिकाचू ही वो रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी इंसान या फिर पोकेमॉन मिमिक्यू के पास नहीं जाता है। सो इसीलिए वो पिकाचू से जलता है। एंड एक और जो मिमिक्यू को अलोला रीजन में दिखाया गया था, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसे अपना दोस्त बहुत जल्दी मिल गया, इसलिए वो पिकाचू से नफरत नहीं करता, बल्कि उसे तो पिकाचू पसंद है। सो मे बी ये रीज़न हो सकता है। सो अब बात करते हैं आखिर मिमिक्यू की टाइपिंग घोस्ट और फियरी ही क्यों है। मतलब सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है कि आखिर एक पोकेमॉन घोस्ट और फियरी टाइप कैसे हो सकता है। सो मे बी इसके साथ जैपनीज माइथोलॉजी का कुछ संबंध हो। मुझे तो जैपनीज माइथोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है जैपनीज माइथोलॉजी में कोई ऐसा गॉड हो जिसको श्राप मिला है, सो उसके ऊपर बेस्ड करके मिमिक्यू के अंदर वाले पोकेमॉन को बनाया गया है। मिमिक्यू के अंदर कौन सा पोकेमॉन है, उसकी मिस्ट्री क्या है, इन सबको मारो गोली, क्योंकि इस रीज़न से मिमिक्यू को नहीं बनाया गया है। मिमिक्यू को पोकेमॉन कंपनी ने इसलिए बनाया था ताकि सन एंड मून की टीआरपी बनी रहे और तुम सब बेवकूफ़ यही सोचते रहे कि इसकी मिस्ट्री आखिर क्या है।
लॉल कहीं के। चलो मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।